हेलो एवरीवन, माय सेल्फ दीप्ति मलिक, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको लेके आप लोगों में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि क्या ये दोनों प्रोसेस सेम रहती हैं या फिर अलग अलग होती हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक का नाम है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, जब भी हमारे दिमाग में एक वर्ड आता है रेस्पिरेशन, जब भी हम रेस्पिरेशन को बोलते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है कि सांस को लेना या सांस को बाहर छोड़ना, इट इज रेस्पिरेशन। पर एक्चुअली में रेस्पिरेशन ये नहीं रहता है। रेस्पिरेशन क्या होता है? सांस लेना और सांस बाहर छोड़ना, इट इज ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन के अंदर ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है, ब्रीदिंग। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज ब्रीदिंग, देन व्हाट इज रेस्पिरेशन। जब सांस अंदर लेना, टेकिंग इन एयर एंड टेक आउट ऑफ एयर फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज ब्रीदिंग, देन व्हाट इज रेस्पिरेशन, देन रेस्पिरेशन क्या है, ये प्रोसेस क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे ब्रीदिंग के बारे में। व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग इज टेकिंग इन और टेकिंग आउट ऑफ एयर फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज ब्रीदिंग। हवा का हमारे बॉडी के अंदर लेके जाना और हवा का हमारी बॉडी से बाहर निकलना क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है। ब्रीदिंग के अंदर दो प्रोसेस पढ़ते हैं हम, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है टेकिंग इन ऑफ एयर, एयर का हमारी बॉडी के अंदर एंटर करना थ्रू द नोस्ट्रिल इज नोन एज इनहेलेशन। और एक्सहेलेशन, देखो इन का मतलब होता है इनसाइड, अंदर, एक्स का मतलब क्या हो गया? आउट। अहलेशन यानी एयर का क्या होना? बॉडी से बाहर निकलना। एक्सहेलेशन, टेकिंग आउट ऑफ एयर, टेकिंग आउट ऑफ एयर, हवा का हमारी बॉडी से बाहर निकलना क्या कहलाएगा? एक्सहेलेशन कहलाएगा। जब ये दोनों, ब्रीदिंग का मतलब हवा का मतलब सांस लेना बोलते हैं हम हिंदी में ब्रीदिंग को, तो ब्रीदिंग के अंदर ये टर्म आती है, देन व्हाट इज रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशन का क्या होता है? रेस्पिरेशन के अंदर क्या लंग्स का कोई रोल रहता है? देखो जब भी रेस्पिरेशन की बात आती है तो हमारे माइंड में आता है कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। तो रेस्पिरेशन के अंदर भाई जो रेस्पिरेशन क्या है, इसका क्या रोल रहेगा? रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और सिंपल लैंग्वेज में हम बोलें ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ और इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रेस्पिरेशन। इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। When food is oxidized in the presence of oxygen, aerobic respiration. When food is oxidized in the presence of oxygen, then it is known as aerobic respiration. Or anaerobic respiration, when food is oxidized in the absence of oxygen, then it is known as anaerobic respiration. This is all about respiration and breathing. Thank you.